वेलकम टू हसना मना। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको ये भी लगता है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां हो जाइए। मेरे जो आज के गेस्ट हैं, भाई इतनी सी बात कहूंगा कि हिट गाने बनाना है इनका उसूल। Put your hands together for Adnan Dool! Adnan, बैठने से पहले शो का भाई रिवायत है कि जो गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है फिर बैठ। आप शेर सुनाए फिर बैठ। बचपन से एक ही शेर कहने जा रहे हैं। आओ, हमसे मिलने को आए हैं आप। वाह, बैठिए, बुला के लाता हूँ। वाह, जॉन तशरीफ रखिए। अदनान भाई वेलकम टू हसना मनाए। भाई थैंक यू सो मच। कैसे हैं अदनान भाई? सर ठीक ठाक, आप बताएं। सही है बिल्कुल। अच्छा, मैंने अब देखा है कि आप रिसेंटली शोज में जा रहे हैं मगर तनो तनहा जा रहे हैं। रवि भाई आपके साथ नहीं होते। एक आवाजें सी उठ रही हैं कि सोच बैंड की सोच खत्म हो चुकी है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हम लोग अभी भी साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि पहले चीज़ें फ़र्क थी, बैंड्स का कल्चर था। अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं सोशल मीडिया की वजह से। लोग जो हैं वो डायरेक्टली यू नो इंटरेक्ट करना चाहते हैं आर्टिस्ट के। अब किसी कंपनी का नाम आप लगाओगे ना, या बैंड का नाम, किसी बैंड का नाम लगाओगे, कंपनी का मैंने इसलिए आसान लफ्ज़ों में कह दिया, तो लोग उसको फॉलो नहीं करते, उसके साथ यू नो एसोसिएट नहीं करते। हाँ, नहीं करते। तो फिर मैंने और रबी ने प्लान किया कि लेट्स चेंज द ब्रांड नेम। ओके, तो अब मैं इसको अपने नाम से करता हूँ। ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माय बैंड लाइक 12 ईयर्स बैक। तो उसको छोड़ना, मतलब उसका नाम चेंज करना, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। बड़ा मुश्किल डिसीजन था, बट वी डूइंग इट। और अब हो ही रहा है कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ एज अ दान धूल परफॉर्म कर रहा हूँ और कॉन्सर्ट्स पे भी, बट वी आर स्टिल ऑन बैंड है, yes. सोच बैंड, मतलब बैंड, मतलब बैंड का नाम चेंज करके दान धूल कर दिया। सिर्फ एक अदनान ढूल कर दिया, उसमें रवि भी हैं, लेकिन अदनान ढूल के अंदर एक रवि बसता है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैं धूल आपकी कास्ट है? जी धूल आपकी कास्ट है। अच्छा, तो ये जो सोच मैं अक्सर, वैसे कराची के लोग, मुझे बड़ा एतराज है कराची के भी बल्कि लाहौर के भी, ढोल पढ़ देते हैं। ढोल भाई DHOOL। यार आप अमेरिका जाओगे ढूल ही कहेंगे ना आपको। अदनान ढूल, ढूल ढूल यानी दो शायद। ठीक, अदनान ढूल भी लग रहा है, वो भी ढूल। अच्छा सवाल तो आगे, ढूल डालें इस पे। जी ढूल डाल। सवाल ये कि बात हो रही थी अभी बैंड की, आप सोच क्यों करनी है बात आपने? हैं क्यों करनी है आपने? मैं करूंगा, मैं इसी में खो जाऊंगा। खो जाए, आप करके खत्म करें। सोच जो नाम है, तो ये जो बैंड वाले बैठते हैं, लड़के बैठते हैं हमारी उम्र आपकी उम्र के बैठते हैं, यार बॉय नाम क्या रखे हैं बैंड का, तो ये कोई इसके पीछे कोई फिलॉसफी होती है या बस जो नाम आए? फिलॉसफी होती है, बिल्कुल फिलॉसफी होती है। इसके पीछे बेसिकली ये था कि जो मैं पोइट्री लिखता हूँ और वो अब्जॉर्ब करता हूँ मैं सोसाइटी से, अपने इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है। अवारी लिखा तो तब भी दिमाग में कुछ चल रहा था, बंदिया लिखा तब भी कुछ चल रहा था। तो डेफिनेटली जो उस वक्त आप जिस सोच से गुजर रहे हो आप वही लिखते हो। तो मेरा बैंड जो था, मेरे बैंड का नाम जो था, वो रिप्रेजेंट करता था मेरी सोच को। आपकी सोच को? जी शुक्र है मैं नहीं था उस बैंड में, मतलब मेरी सोच रिप्रेजेंट नहीं हो सकती गानों में, वो गलत हो जाता है। नहीं, आपकी जहाँ हो रही है बड़ी जबरदस्त हो रही है। अदनान भाई, हमारे शो में बिलाल मकसूद भी आए थे, जब वो भी जाहिर बात है दो लोगों का एक बैंड था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बैंड मेरा और फैसल का तो है, जरूर था, लेकिन हम दोनों दोस्त नहीं थे, हम लोग थे वर्किंग रिलेशनशिप में, काम के वक्त काम की बात करते थे, ऊपर चले जाते थे। क्या आपका और रवि भाई का भी ऐसे काम काम से काम? ही इज माय फैमिली मेंबर। अच्छा, फ्रॉम द डे वन हम लोग साथ रहते रहे हैं, बड़ा अरसा, 10 साल हम एक साथ रहे हैं। इवन मेरी शादी के बाद भी हम लोग इकट्ठे रहते थे। मतलब भाई है, भाई भाइयों वाला रिलेशन है। हम, मैं कौन से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भाइयों में ही हूं। आपकी आंखें आगे बढ़ रही थी ना। हाँ, तो ही इज माय फैमिली। हाँ, हम दोस्तों से बढ़कर थे और भाइयों में आपको पता फिर। हाँ देखिए, ऐसा होता है भाइयों में जरा दोस्ती कम होती है, भाइयों में दोस्ती कम होती है, मगर एक चीज है कि जो बेगमात होती है वो मैंने देखा है कि अक्सर बेगमात शुरू शुरू में शादी के दोस्त के बेस्ट फ्रेंड से बहुत खफा रहती हैं। मैंने देखा है, मैंने खुद सहा भी है। तो ये मेरी बेगम कंट्रोल मेरे पे ज्यादा था। अच्छा, तो वो खफा होने नहीं दिया। मेरा दोस्त जाता था पार्टी शार्टी पे, मैं नहीं जाता था। आप नहीं जाते? मैंने उस दिन पार्टीज बंद कर दी जिस दिन मेरी शादी हुई। ठीक, अब शादी के पहले दिन क्या हमारे पास रुख्सती मेरी हुई थी, एक्चुअली शादी आपकी हुई थी और रुख्सती भी मेरी हुई थी, लड़की की नहीं हुई थी। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि क्या मजबूरी थी? बस पराया शहर, परदेसी पराया शहर में लड़की थी, रुख्सत हो गया ना, बड़े शहर की लड़की थी। हाँ है ना, रुख्सती तो मेरी हुई ना। अच्छा, रुख्सती पे मैंने, रुख्सती से याद आया कि जब हमारे यहाँ रुख्सती होती है तो ज्यादातर खवातीन रोती हैं। मैंने देखा है लड़कियां, मैं रोया था जी उस दिन, खुशी से घर जा रही होती है ना खवातीन, जाहिर बात है घर छोड़ के मैं डर गया। मैं, अच्छा मैं वैसे पहले 3 दिन ना आई वाज सो डाउन बिकॉज मैं 10-12 साल अकेला रहा स्टूडियो में, लड़के थे। शादी के 3 दिन गुजर गए, मेरा डिप्रेशन जो बढ़ता जा रहा है। अब एक लड़की है
रहरिये साथ किस तो रोज कमली बेगम ने ना चौथे दिन पूछ रही है भाई क्या मतलब क्या मसला क्या है जिंदगी में क्यों मतलब वो उसको टेंशन हो गई कि मैंने किस बंदे से शादी कर ली। मैं उस दिन रोया बकायदा, मैं कहा यार तुम जा क्यों नहीं रही अपने घर तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही। मतलब मुझे होता है अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मतलब एक लड़की है, पहले लड़कियाँ आती थी मिलकर चली जाती थी, अब तो तुम जाए। मैं भाई ऐसा नान भाई बहुत प्यारा क्राउड आया हुआ है, बेताब हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं ये लोग कि कब खाना खोले और खाएं। मगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। लाओ भाई कौन है पहला? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नादिया। नादिया आप क्या करती हैं? मैं अमेरिका में कम्युनिकेशंस एग्जीक्यूटिव हूं। अच्छा, अमेरिका से आई हूँ जी, सुबह ही आई हूँ और वहाँ से सीधा इधर आई हूँ। क्या मजबूरी थी? एग्जैक्टली मेरा भी सवाल था। देख ले, मजबूरी थी कि आपसे यहाँ शो पे मिलना था, तो उन्होंने कहा आज ही आ जाए, तो हमने कहा चले ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मजबूरी ये है कि गेस्ट भी आए हुए, सवाल पूछना। सवाल आप दोनों के लिए है। सबसे पहले आपके लिए, हम लोग आपका शो बहुत इंजॉय करते हैं अमेरिका में, और पहली दफा कोई ऐसा शो आया जो कि रेलेवेंट है और आपकी कॉमेडी बड़ी विटी होती है और इंटेलेक्चुअल होती है, तो आप कैसे रेलेवेंट रहते हैं और कैसे अपने आप को अप टू डेट रखते हैं ताकि आप ऐसे सवाल पूछ सके जो कि आजकल जो भी चल रहे हैं हालात, जो भी सिचुएशंस चल रहे हैं, उसके बारे में कोई लाइट माहौल क्रिएट करने के लिए। अच्छा देखें, ऐसा है कि इसका मैं बहुत ऑनेस्टली जवाब दूंगा कि क्योंकि शो में अकेला मैं नजर आ रहा हूं तो ऐसा लगता है सब मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, सब मैं नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ी आपने देखा टीम है यहाँ पर, हर कोई कैमरा चला रहा है, कोई प्रोडक्शन चला रहा है, कोई साउंड देख रहा है, तो एक रिसर्च टीम भी है हमारी जो बड़ी कमाल रिसर्च टीम है, तभी शो इतना अच्छा बनता है। तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन वो लेकर आते हैं। दूसरा ये कि मैं जो हूँ वो आप लोगों में रहता हूँ, उठता बैठता भी अपने उन्हीं दोस्तों में जिनमें पहले बैठता था, तो मुझे सोसाइटी का जो अभी कुछ हो रहा है, ज़्यादातर जब लोग मशहूर हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, तो वो अपनी सोसाइटियाँ चेंज कर लेते हैं। मेरे वही अपने दोस्त हैं फटी पैंटों वाले, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह के दोस्त। तो मैं उस हिसाब से इसलिए मैं थोड़ा सा रेलिवेंट रहता हूँ। अब अदनान भाई आप बताएं जी, आपका सवाल सेम सेम क्वेश्चन जी। नहीं, आपके लिए ये सवाल है कि आप कब आ रहे हैं न्यू जर्सी, कब अमेरिका, कब आ रहे हैं? असल में वो बैंड को बुलाते नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं 10 से 12 टिकट्स कौन अफोर्ड करे। हाँ। तो वो ये ट्राइंग के हम लोग आए अभी, बल्कि प्रदेश के टेंदा जो हमारा गाना है इट्स गोइंग वायरल इन अमेरिका एंड दूसरे शहरों में भी, तो आई होप के जल्द बुलाएंगे अमेरिका वाले। चलो भाई अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर रिमशा। रिमशा क्या करती रहती हैं? सर मैं MBBS कर रही हूँ। डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह, कोई स्पेशलाइजेशन का सोचा हुआ है? हाँ जी सोचा हुआ। क्या बनेंगी? हार्ट स्पेशलिस्ट के बारे में सोचा। दिलों का इलाज। हाँ जी। बात ही दिलों का। सर मेरा क्वेश्चन आपसे और अदनान भाई दोनों से है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप दोनों को चांस दिया जाता है कि आप किसी मशहूर पर्सनैलिटी से अपनी पर्सनैलिटी को स्विच करें, तो वो कौन सी होंगी और क्या पहली एक्टिविटी होगी जो आप दोनों परफॉर्म करना चाहेंगे? तो तुम्हारा बड़ा ट्रिकी है। अदनान भाई लड़की कह रही है कि अभी कंसीडर कर रही है मशहूर नहीं है, तो कह रही है कि नहीं जो बहुत मैं बाकी मशहूर नहीं हूँ इतना ज्यादा, बस गाने बनाते रहते हैं, जब सूरत लिखी हुई है, मतलब अगर आप कुछ और बहुत ज्यादा मशहूर हो जाए तो बहुत ज्यादा, मतलब शाहरुख खान कह रही है कि अगर आप कोई मशहूर पर्सनालिटी से अपनी अपने आप को स्विच कर सके, इमरान खान आप हो गए। इमरान खान, खान साहब से करें। खान साहब अच्छे सिंगर हैं, मतलब वो ऐसा सर कोई ऐसा एक्टिविटी, आई थिंक ऐसा करिश्मा मैंने अभी तक किसी में नहीं देखा अपने जो उसकी पर्सनालिटी में है और शुरू से लेकर आज तक। हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग भी एम्पलीफायर है आपका क्या? आप वो देखिए किसी भी मशहूर सेलिब्रिटी की बात करी थी, वो देखिए वो सुपरस्टार हमेशा से हैं, हम जब पैदा हुए थे वो सुपरस्टार ही थे। अगर रेलेवेंट लोग ये देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं खामोश हूँ, मैं चुप हूँ। मैं तो देखिए एज अ फैन फिर ताबिश को ढूंढूंगा और मैं कहूंगा ताबिश तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। सही है ना? जय आप बनो खान साहब, मैं भी शायद बनूंगा, मेरे को तमगा चाहिए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम सफदर गुजर है। सफदर भाई क्या करते हैं? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं? जी। माशाल्लाह, किस जमात से ताल्लुक है? जी मेरा मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, वेरी नाइस। तो क्या सवाल लाए हमारे लिए? जी मेरा एक सवाल है और दूसरा ख्वाहिश है। पहले सवाल है कि अभी मैं जलसे से आया हूँ
और जलसे के बाद मैंने सोचा कि मैं ताबिश हाशमी के शो में जाऊं और पता चला कि अदनान दूर साहब भी आए हैं, तो मैंने कहा दोनों को मिलकर पार्टी में शमूलियत का दावत दूं कि अदनान साहब आप भी मुस्लिम लीग में आए, ताबिश साहब आप भी आए, भजन चले आप मैं आ रहा हूं पार्टी में दावत दे रहे हैं। भजन पार्टी और बोले बोले। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं आप दोनों के साथ एक सेल्फी लूं। वाह, सेल्फी दे दूंगा मैं, वो अच्छी ख्वाहिश है, सही है। हाँ, सेल्फी मैं कर दूंगा आपके साथ, आप तरह प्यारे भी लग रहे। पार्टी में अभी मेरा अभी वक्त नहीं आया दोस्त, अभी वक्त आने वाला है ना, अभी मैंने कमाया ही क्या है मैं पार्टी में, पहले सोच लो। आए आए तस्वीर लेता हूं बेटा, ये पोस्टर मत बनवा देना कि सफदर गुज्जर के साथ दो नए पीएमएल के कारकुन। सेल्फी मोबाइल लाए अपने पैसों का है। मैंने कहा भाई आवाम के पैसों का ना हो। आ जाए, वाह वाह वाह, चलो थैंक यू। बैठे सफदर भाई के लिए ताली होनी चाहिए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? आलियान। आलियान क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में होता हूँ। सॉफ्टवेयर हाउस है आपका? जी। वेरी नाइस। सवाल? मेरा सवाल जो है वो अदनान ढोल से है। हाँ। फिर ढोल ढोल से क्या सुना कट सुना भाई अभी मतलब ढोल ढोल अदनान ढोल से है, पर आप भी बता सकते हैं, इट्स अ पश्तो फ्रेज, आपको इसको ट्रांसलेट करना। पश्तो फ्रेज भाई, मुझे पश्तो क्यों आती है? आप बोलो, हम अंदाजा लगाएंगे। हां अंदाजा लगाएंगे। स्ता शाइस्ता स्तर के लड़े हैं, आहिस्ता 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 स्ता शाइस्ता स्तर के लड़े, स्ता शाइस्ता स्तर के लड़े, शाइस्ता का तो समझ आ गया, शाइस्ता तो मुझे भी समझ में आ रही है। आगे क्या बोला आपने? आप थोड़ा माइक हल्का सा दूर करें और क्लैरिटी के साथ बताएं। स्ता शाइस्ता स्तर के लड़े, स्ता शाइस्ता स्तर के लड़े, शाइस्ता सर ले गई। वो लग रहा है शाइस्ता क्रिस गेल से मिली। अलियान भाई इसका क्या मतलब है भाई? मतलब सर के लड़े, सर के लड़े, सर के लड़े, शाइस्ता को देख के सर गए लड़े, जो मोहल्ले के लड़के थे लड़ पड़े, लड़ पड़े। बता देना लियान भाई। अच्छा चले, बस सर लड़ पड़े। नहीं नहीं, इसका मतलब है आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। लो आपने तो दूर से देख ली। भाईजान इनका नाम मतलब? अदनान है, शाइस्ता थोड़ी है। हल्के से बाल क्या बड़े कर लिए भाई आगे। शाइस्ता आंखों को कहते हैं। अच्छा माशाल्लाह, पश्तो में कहते हैं, फारसी में कहते हैं? पश्तो में। ओ तुम्हारी शाइस्ता कितनी खूबसूरत है यार, अपनी शाइस्ता बंद कर लो। चलो 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 चलो, वेरी गुड। आपकी शाइस्ता में कुछ फंस गया, पानी आ गया। हाँ चलो भाई, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुनैन सर। क्या करते हैं सर? रियल एस्टेट बिजनेस। थैंक यू सर। सवाल? जी सर, मेरा अदनान सर से सवाल है कि सर आप क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर में आप देखते हैं कि सिंगर्स का कैसा फ्यूचर होगा पाकिस्तान में? म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, ब्लीक नजर आता है? अभी 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 बहुत बेहतर नजर आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो आपको पे कर रहे हैं। उससे पहले अभी कोविड से पहले तक बहुत बुरे हालात थे, बस हम लड़ रहे थे किसी तरह। अच्छा। लेकिन अब जो भी, बल्कि मैं इनक्रेज करता हूँ जितने भी हमारे नए बच्चे हैं जो गाते हैं, लिखते हैं, कंपोज करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो आई इनक्रेज देम कि वो इस फील्ड में लाजमी है, बिकॉज अब ये सेफ होती जा रही है, पहले ये सेफ नहीं थी। ठीक है, हम बहुत डरते थे, लेकिन अब ये बहुत बेहतर हो गया। आपके लोगों के राइट्स वगैरह सेव हैं? यस, अब कंपैरेटिवली नहीं, अब तो बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। मुतमईन है भाई साहब जवाब से? मुतमईन सर, अब बेहतर हो गए हैं तो अब बाल तो कटवा लेने चाहिए ना। हां नहीं, अच्छा बेहतर हुए इसलिए बाल नहीं कटवाए, बेहतर हो गए इसलिए। अभी तो स्टाइल मारने का मौका मिला, मैंने कहा यार थोड़े से बढ़ा कटवा लेना, उनकी नाई की दुकान है, उनका भी काम चल पड़ेगा। कौन है भाई हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उर्वा तुलवुस्का। उर्वा तुलवुस्का। तुलवुस्का, ठीक है। उर्वा क्या करती हैं? मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। अरे भाई, क्या बात, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट हो जाएगी।
मोस्टली हम देखते हैं कि सिंगर्स बहुत अर्ली एज में बचपन से स्टार्ट करते हैं, तो आपने किस वक्त जो है वो शुरू किया था सीखना? और इसके अलावा एक और है, सॉरी कंटिन्यूइंग, आपका जो है वो आपके उस्ताद कौन है? अदनान भाई, सुनने में ये आया है कि जो भी प्रोफेशनल काम करने चाह रहा होता है, जैसे इवन क्रिकेटर्स हैं, स्क्वाश प्लेयर्स हैं, बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट करते हैं, क्या सिंगर्स को भी छोटी उम्र से स्टार्ट करना चाहिए? सर ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में उस तरह का कल्चर तो नहीं है। हाँ। जो फैमिली जो होती हैं जिनकी घराने जिसे घराने जिसे कहते हैं, उनमें तो ये कल्चर बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जिस मेरा फैमिली बैकग्राउंड फ़र्क था तो ऑब्वियसली बचपन से गाता था मैं, कज़न शज़न जैसे तारीफ़ कर देते बस उस हद तक, लेकिन उस तरह से सीखा नहीं हूँ बचपन से, लेकिन हाँ बचपन से गा रहा हूँ। और सीखा कहाँ से? उस्ताद यूट्यूब जी हैं, एक उस्ताद यूट्यूब खान साहब, वो हैं मेरे टीचर। मोस्टली जितनी प्रोडक्शन है मैंने सारी यूट्यूब से सीखी, सेल्फ लर्निंग की आप? सेल्फ लर्निंग कह सकते हैं या, और फिर जितने भी लोगों से सीनियर्स के साथ जब भी मुलाकात होती थी उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था, तो बस इसी तरह से। अच्छा, जो लोग 10-10, 12-12, 20-20 साल रियाज कर रहे हैं वो क्या फजूल टाइम जाया कर रहे हैं? नहीं, वो देखें चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई हैं अब, ठीक है, और आप जिस तरह से म्यूज़िक देख रही हैं जितना ज़्यादा बन रहा है उसके पीछे रीज़न है, AI आ गया और बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे, मेरा मानना ये, ठीक है। तो या तो आप तबले कसते रहें, ट्यून करते रहें, ढोल घसते रहे, या तो फिर आप काम कर ले, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखना लाजमी चाहिए, ठीक है, लेकिन सीखने के पीछे इस हद तक पागल ही होना चाहिए कि यार अब मैं पहले 20 साल सीखूंगा उसके बाद लैंड करूंगा म्यूजिक इंडस्ट्री। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, तुम जिस तरह तुम्हारा सवाल पूछने का अंदाज है ना, तुम बेटा ज़रूर होस्टिंग ट्राई करना, तुम्हारा बहुत अच्छा स्टाइल है। और वह अगले तालियां, शुक्रिया। और वह एक काम करो माइक दो भाई, और माइक ये सामने जो लगा है ना लड़का खड़ा हुआ है इसके अंदर ब्रेक लो, हंसना मना है से, शाबाश। ख्वातीनों हजरात, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं हंसना मना है पे। मैंने भी कोशिश की कि ना बेगम को घूंगर उठाते जोक सुनाऊंगा। अच्छा, तो मुंह दिखाई की मुंह दिखाई हो जाएगी और लाफ्टर का लाफ्टर आ जाएगा। घूंगर उठाया, मैंने जोक सुना, उनका बिल्कुल हंसी नहीं आई। सेट का है तो ये जितने भी लड़के बेटा मुंह दिखाई बहुत जरूरी होती बहुत है। भले मुंह देखो ना देखो, हाँ देखो, सेट देखो पहले। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे हैं हम ऑडियंस से, हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? सखावत अली। सखावत भाई क्या करते हैं? सर मैंने भी रिसेंटली डिग्री अपनी कंप्लीट की है, बीए एस ऑनर एग्री साइंसेज की। सर कौन सी साइंसेज? एग्री साइंसेज सर। एग्री साइंसेज में, वेरी नाइस। कोई सवाल? जी सर। सर मेरा सवाल आपसे है कि मेरी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन हुए हैं, मैं बहुत दफ़ा ना उम्मीद हुआ हूँ, लेकिन जब जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा है मेरे जहन में यही बात आई है कि मेरा भी फ्यूचर बाकी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों भाई, क्या देख के ऐसा यकीन आ गया तुम्हें लगा मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते ही होंगे? सर आपने एकदम से किया है ना इसलिए। मैं भी उस दम का इंतजार कर रहा हूँ कि मैं कब यकदम करूंगा। आप एकदम कर दोगे यार, आप मेहनत करो, एकदम ना उम्मीदी का शिकार, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में तो आते ही रहते हैं यार। आप बाइक की जंप ठीक करो। हाँ, पूछो पूछो। सर मैं सिंगर बन सकता हूँ? गागे सुनाए। पूरा सुनना पड़ेगा सर? नहीं पूरा नहीं, शर्त नहीं रख सकते आप भाई, एक लाइन गाओ, एक आ कर दो बस। मैं रंग शरबतों का नहीं, चले मैं कुछ और करता हूँ, करने की ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैम? अफशा। अफशा मैम क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं, वेरी नाइस। कोई सवाल? अदनान साहब से सर पूछ, मैंने इनसे ये पूछना था कि ये लिखते भी हैं तो कभी कोई शायरी या कोई शेर वगैरह लिखा है इन्होंने? अदनान भाई आपने कुछ लिखा है कभी? कुछ दीवारों पे लिख दिया हो? गानों में लिखा है, आप उसको शायरी कह लें या यू नो लिरिक्स कह लें? आपके गाने लिखे हुए गानों में बड़े बड़े गाने शामिल हैं, उसमें से सबसे अच्छा शेर आपको कौन सा लगता है? एक वो हो जाए बस, बगैर गाए भले नसर में सुना दे। तू झूम अभी जो पिछले दिनों आपदा परवीन का नसीबो जी का आया था, उसमें कुछ लाइंस थी जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी मेरे लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शबीना। आप क्या करती हैं मैडम? मैं टीचर हूँ, मैथ्स टीचर हूँ। मैथ की टीचर हैं जी। चलें जी घर चलें, हिसाब किताब करेंगे हमारा, हिसाब किताब करेंगे या कोई सवाल? नहीं मैं सवाल करूँगी। करिए।
अदनान धूल सर से सवाल है कि सर आपने भी बताया कि आप मैरिड हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? लव अरेंज, दोनों. लव अरेंज में अगर कहूँगा अरेंज ज्यादा बेहतर है. अच्छा. लेकिन प्यार भी इन्वॉल्व था. प्यार भी हुआ. हाँ. प्यार पहले हुआ, अरेंज पहले हुई? प्यार पहले हुआ. तो फिर प्यार की शादी हुई है फिर? मतलब आप कह रहे हैं, लेकिन वो वाला प्यार नहीं था कि नहीं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर वाला सीन नहीं था. कौन सा वाला था? लेकिन अकलमंदी वाला प्यार था कि हाँ यार शी इज द वन. सही. हाँ. प्यार तो ना हुआ. अंधे नहीं हुए. अंधे नहीं हुए. प्यार में अंधे हो जाते. भाई कौन होते होंगे, हम भी हुए थे किसी दौर में, अब नहीं होते. लेकिन आपने डिसीजन था, मतलब एक वाइज डिसीजन था. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे जो बेहतरीन फैसला था वो मैं अपनी शादी का लिया, और जिस लड़की को चुना वो मैंने अपनी मर्जी से चुना. मैंने कहा इसी से शादी करनी और उसी से की. वेरी नाइस अदनान भाई. मैंने सर वही फैसला अच्छा हुआ उसके बाद. वेरी सवाल भाई. ऐसा है कि हम भी शादीशुदा हैं, हम भी इस मरहले से गुजरे. मुंह दिखाई बड़ी बड़ी चीजें देनी पड़ती हैं, कभी कोई फोन देना पड़े, कोई सेट देना पड़े, वादे देना पड़े. मैंने सुना कि आपने मुंह दिखाई में एक गाना लिख के दे दिया. नहीं नहीं सर, गाना वैसे लिखा था. जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज चल रही होती है दिमाग में, बस शादी के मौके पर क्या चल रहा था वो था कि मैं क्योंकि 10-12 साल अकेला रहा बाहर. हाँ. खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं. ठीक. हाँ. है. उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो आई फेल्ट कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ. ठीक है. तो उस पे मैंने लिखा था, हम तुम मिलके पूरे हो गए. वाह. हाँ तुमसे पूरे हो गए. वाह वाह वाह. तो आपने मतलब पूरे हो गए. आपने घूंघट उठाया और गाना शुरू कर दिया. गाना नहीं दिया था, घूंघट उसका सीन है कि मैंने अपनी बेगम को मुंह दिखाई पे कुछ नहीं दिया. मैं लेना भूल गया क्योंकि मैंने अपनी शादी खुद ही सारी अरेंज की थी. मेरे पेरेंट्स गाने वाले थे तो सब कुछ खुद ही करना पड़ा जैसे. तो सारी उसमें लेना भूल गया मैं गिफ्ट. तो मेरी सास ने मुझे क्या किया, मुझे अपनी अंगूठी दे दी एक. सास ने? वो भी सास ने. ठीक है. सास ने कहा कि ये तुम दे देना. यार इतनी अच्छी सास है. तो अब मैंने वो अंगूठी दे दी. 3 दिन बाद मेरी बेगम ने मुझे राज खोला कि ये जो आपने मुझे अंगूठी दी, ये मेरी माँ की वो अंगूठी जो मैं इनकी उंगली में हमेशा देखती हूँ. ऑफ कोर्स. ठीक है. सास ने फंसाया. तो उसके बाद आज 7 साल हो गए मेरी शादी को. आज तक हर साल ये मुझे मेरी बेगम याद करा. याद है आपको? मैं कहा जी. देखे मुझे अभी तक फ्रेश है ऐसा बोला. मैंने भी कोशिश की कि ना बेगम को घूंघट उठाते जोक सुनाऊंगा. अच्छा. तो मुंह दिखाई की मुंह दिखाई हो जाएगी और लाफ्टर का लाफ्टर आ जाएगा. घूंघट उठाया मैंने, जोक सुना, उनका बिल्कुल हंसी नहीं आई. सेट का है. तो ये जितने भी लड़के बेटा मुंह दिखाई बहुत जरूरी होती है. बहुत. भले मुंह देखो ना देखो. हाँ देखो. सेट देखो पहले. हाँ. मुंह भूलना मत. 7 साल आज जनरली बता रहा हूँ सच्ची बात. मीठे मीठे ताने पड़ जाए. आपने मुझे क्या मुंह दिखाई पे तो कुछ दिया नहीं. एक अच्छा जा, अच्छा देखो मेरा मैंने भी कहा मुझे भी मुंह दिखाई तो कहने लगे नहीं मुंह भी उस काबिल हो. अदनान ये बताइएगा कि कई मशहूर गाने जैसे तू झूम, बॉलीवुड के भी मशहूर गाने बोल कफारा क्या होगा, और कई ऐसे गाने आपने लिखे हैं जो बहुत ज्यादा मतलब ऑल टाइम हिट्स हैं. ग्रूव मेरा एंथम, PBSL का ग्रूव मेरा आपने लिखे. ये इतने मशहूर गाने हैं कि अगर आप ये खुद गाते तो आपको ज्यादा स्टार्टर. वो गाने मेरे लिए बने नहीं थे पहली बात तो ये. हाँ. और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ. हाँ. तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था पहले. हाँ. प्रोडक्शन की तरफ, म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ. तो उस वजह से प्रोडक्शन में ज़्यादा बिजी था मैं. गाना बेहतर महसूस करते हैं या पीछे काम करना? नहीं पहले मामला कुछ और थे क्योंकि उस तरह से पहचान नहीं मिलती थी आर्टिस्ट को. पैसे कमाने का जरिया कम थे. अब नहीं, सिर्फ कॉन्सर्ट से पहले. तो कॉन्सर्ट से हम लोग कमा रहे थे तो. लेकिन ऑब्वियसली आप उस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो जहाँ से आप पैसा रिकवर कर सको. तो वीडियोस पे बिला वजह महंगा पैसा लगाना और अपने गाने लॉन्च करना आपको उस तरह से शौक नहीं था. मतलब बेवकूफ़ी लगती थी कि अच्छा 15 लाख की वीडियो बनवा दो, कमाना कहाँ से है. तो हम प्रोडक्शन से कमा रहे थे और सिस्टम चल रहा था. अब क्योंकि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं तो मैंने प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दी है दूसरों के लिए. अब कॉन्सर्ट सिर्फ अपने लिए म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा हूँ. सेगमेंट पे जाएंगे मगर एक सवाल पहले पूछ लूँ. अवारी गाना जो था आपका ऑल टाइम मतलब हिट है वो पाकिस्तान की, वो आपने किसी इंडिया में बेचा आपने, क्या वो सही अमाउंट पे बिका या आप उस वक्त कच्चे थे आपको पता ही नहीं था क्या अमाउंट? कच्चे थे जी उस वक्त. सस्ते में बेच दिया. अंदाजन कितने का बेचा होगा यार? मैं इसको रिफ्रेस करता हूँ. अगर लेट्स से 100 रुपए का रेट है तो आपने कितने का बेचा? 2 रुपए का. इतना कम बेच दिया. हाँ लेकिन उसकी उसकी वजह थी ना सर. उस वक्त देखें
बाकी अर्निंग्स नहीं थी ना, ठीक है, तो अब हमने कमाना कहाँ से था? कॉन्सर्ट्स थे बॉलीवुड में. अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जी बॉलीवुड में क्यों जाते हो, बॉलीवुड में क्यों जाते हो? बॉलीवुड में भाई इसलिए जाते हैं कि वहाँ 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, और वहाँ जब गाना जाता है तो गाना बहुत सारी दुनिया में पूरी दुनिया में पहुँचता है और मुल्कों में पहुँचता है और दूसरी दुनिया में पहुँचता है. उसके बाद आप अपने सेलिब्रिटीज को मानते हो. हमारे पाकिस्तान में हमारी आबादी कम है, हमारी उस तरह आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी नहीं हो सकती. तो एक विंडो है वो इंडिया है, क्योंकि हम एक लैंग्वेज है हमारी, तो वो विंडो बनती है बेसिकली आर्टिस्ट को पॉपुलर करने का रीज़न. तो इसलिए हम सस्ते में दे दिया गाना. उससे हुआ ये कि कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा किए. अच्छा, दुनिया में आपने सिर्फ पाकिस्तान में कॉन्सर्ट नहीं किया. हाँ जी, इंडिया में भी किया है, मुल्कों मुल्कों में कॉन्सर्ट किया है. हमारे कॉन्सर्ट में और बाहर के मुल्क के कॉन्सर्ट में क्या फ़र्क होता है? सर, सबसे जो वाजिया फ़र्क होता है वो साउंड का होता है. अच्छा, हमारे यहाँ बेसिकली, प्रभु भाई बुरा मत मानिएगा, प्रभु हमारे साउंड वाले हैं, जो है ना साउंड इंजीनियर, वो ऐसा अवेलेबल नहीं है उस तरह से, बहुत कम लोग हैं. और हमारा जो ऑर्गेनाइजर होता है वो साउंड पे ना पैसे बचाता है. हाँ हाँ, ठीक है. वो कहता है कि कोई डीजे वाला बुला लो भाई, सीडी, जिन्होंने सीडी चलानी होती है उनके लिए तो ठीक है, बस जिन्होंने लाइव गाना है वो बाले जान बन जाता है उनके लिए. और फिर क्राउड ये कहता है वो यार वो आर्टिस्ट आया था उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. तो यहाँ पे पूरा गैजेट नहीं है. सबसे पहली बात ये कि जब आप बाहर परफॉर्म करते हो ना, इवन मैंने इंडिया में अमृतसर में एक छोटे से क्लब में परफॉर्म किया था, लेकिन उनका स्टेज और उनका जो साउंड था ना वो ऐसे था कि जैसे मैं 15,000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, छोटे से क्राउड के लिए. साथ ही नाजरात, वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लीजिए, वापस आइए. हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा. वेलकम बैक टू हंसना मनाए खवातीन हजरात. मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त अदनान दूल से. अदनान भाई, आप आए हैं तो ऐसा है क्योंकि आप लिखने लिखाने के शौकीन हैं, तो हमारा एक और सेगमेंट है उसमें ऐसा है कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जल्दी जल्दी शॉर्ट आंसर्स होंगे और उन जवाबों से हम एक नज्म तैयार कर लेंगे हाथ के हाथ. जैसी जवाब खत्म होंगे नज्म गरम गरम तैयार हो जाएगी और अगर हो सका तो उस नज्म की तरह आपसे तर्ज भी बनवा लेंगे. डन हो गया. सही है. तो भाई, सेगमेंट का नाम है उद्धम नज्म और ये आखिरी सेगमेंट है आज का. पहला सवाल, कोई भी एडजेक्टिव बताइए. हसी. एक नंबर, कोई भी नंबर. नंबर तो बता दे जल्दी. तीन. एक फ्रेज बताइएगा जैसे होता है ना, आई लव यू, गुड बाय, आई मिस यू, इस तरह से. लुक बैक. लुक बैक, वाह. कोई अंदरूनी आजा, फेफड़े, दिल, इस तरह अंदर का. जिगर. कोई हथौड़ा हाथ पे मारे, क्या आवाज निकलेगी आपकी? काफी ज्यादा ऊंची आवाज निकलेगी. निकाल, हल्की से निकाले. निकल बड़ा. मैंने मारा कहा है. कोई जानवर? कुत्ता. इसके बाद कोई रेप्ट, कोई इंसेक्ट, कीड़ा. छिपकली. कोई छिपकली कर लो. छिपकली कर लो. कोई सब्जी? आप सोच के ला रहे हो. सब्जी कम खाता हूँ. भिंडी कर लो. भिंडी. अच्छा, बाथरूम में पाई जाने वाला कोई एक आइटम? हाँ, शैम्पू. शैम्पू. कोई लंबाई? 5 फुट. 5 फुट लिख लो. और एक हाइट, ऊंचाई? 5 फुट. फिर 5 फुट स्क्वायर में खड़े में. किचन में पाई जाने वाला एक आइटम, वो क्या कहते हैं उसको? बेलन. 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 बेलन लिख लो. कोई पीने की चीज? पीने की चीज, पानी. क्या? पानी कर लो. पानी कर लो. उसमें कुछ मिलाओ नहीं. बट बॉडी पार्ट हाथ के अलावा. अब बाहर आने वाला, बाहर जो टांगे मांगे बाहर के आइटम. नाक. नाक. नाक कर लो. चलो भाई, ले आओ. हो गई नज़्म तैयार. हो गई. तो अर्ज किया है, अर्ज करें. एक हसीन लड़की से मुझे हुआ था प्यार. हसी कहा था अपने एडजेक्टिव में. एक हसी लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 3 थे उसकी मूछों पे बाल. पूरे 3 थे उसकी मूछों पे बाल. और लुक बैक. लुक बैक हर वक्त मुझे कहती थी वो. लुक बैक हर वक्त मुझे कहती थी वो. क्या बताऊं, मेरे जिगर में रहती थी वो. लुक बैक. कहती थी पीछे तो देखो. पीछे तो देखो. जब उसको देखूं मेरे दिल से आ आए आवाज. दूर से वो हिरन लगे, कुत्ता लगे जब हो पास. और छिपकली के जैसी चाल थी उसकी. हाय 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 हाय. छिपकली के जैसी चाल थी उसकी. हर बात ही कमाल थी उसकी. और उसके मुंह से भिंडी गिरती थी. उसके मुंह से भिंडी गिरती थी जब भी वो कुछ बोले. उसके दांतों में शैम्पू फंसा होता था जब भी वो मुंह खोले.
पांच फुट का हाथ था उसका, उस पर पांच फुट का नाखून, बेलन से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन, और बगैर डर के जीती थी वो, बगैर डर के जीती थी वो, पानी नाक से पीती थी वो, गोता, हाँ गोता खा गए। अब उसकी याद नहीं आती, अब मैं उसे गया हूं भूल, लिख दूंगा गाना उसके लिए क्योंकि मेरे दोस्त हैं अदनान। हाय 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 हाय। कादिर आजाद मेरे साथ आज हसना मनाई में मौजूद थे, द ग्रेट अदनान धूल। आज कमाल की बात को यहीं रहने देते हैं क्योंकि कमाल का सिंगर मौजूद है।